हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी कि फाउंडेशन करेक्टली कैसे अपने फेस पे अप्लाई करना है, जिससे आपका फाउंडेशन बिल्कुल भी क्रैकी ना हो, बिल्कुल भी पैची ना लगे और लॉन्ग टाइम तक फ्रेश लगे आप। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जिसको आपको फाउंडेशन लगाते समय अपने माइंड में रखना है। आप जब भी कोई किसी पार्टी या टीम में जाते हैं तो उसे 12 घंटे पहले अपने फेस पर स्क्रब कर लीजिए, ताकि आपकी स्किन की जो भी डेड सेल्स हैं और जो भी डस्ट वगैरह है वो अच्छे से रिमूव हो जाए और फेस जो भी ब्लड सर्कुलेशन है फेस का वो अच्छे से होने लगे। तो इससे होता क्या है कि अगर आपकी स्किन स्मूथ है तो जो भी आप फाउंडेशन अप्लाई करोगे वो इजीली अप्लाई हो जाएगा, वो क्रैकी बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखिए। इट मीन्स आप वाटर इनटेक अच्छे से लीजिए, ताकि आपकी स्किन ऑलरेडी हाइड्रेट रहे, ग्लोइंग करे, और अपने फेस को मॉइस्चराइज करते रहिए टाइम टू टाइम। थर्ड पॉइंट है, आप जब भी फाउंडेशन अप्लाई करिए उससे पहले अपने फेस पर प्राइमर जरूर अप्लाई करिए, जिससे कि प्राइमर अप्लाई करने से फाउंडेशन, एक तो डायरेक्टली फाउंडेशन आपकी स्किन पर कांटेक्ट नहीं होता, जिससे कि आपको पिंपल वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती। सेकंड ये भी होता है कि जब आप प्राइमर यूज़ कर लेते हैं तो जो भी फाउंडेशन आप अप्लाई करते हैं वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। जो भी फाउंडेशन ले वो अच्छी अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छे ब्रांड का हो, एटलीस्ट बहुत कॉस्टली तो नहीं कहूँगी मैं आप लीजिए, बट हाँ जो भी आप फाउंडेशन लें वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि आप जब भी उसको ब्लेंड करें तो वो इजीली बने। लोकल क्वालिटी का या फिर आप बहुत ही पुअर प्रोडक्ट लेंगे तो वो आप जितना भी उसमें कोशिश कर लीजिए वो अच्छा लुक नहीं देने वाला है। तो आप इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते हुए अपने फाउंडेशन को अप्लाई करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लूँगी मॉइस्चराइजर की हेल्प से, और आफ्टर दैट मैं NY का प्राइमर यूज़ करूँगी, जिससे मैं अपने टी जोन एरिया पे स्पेशली ज़्यादा अप्लाई करूँगी। आफ्टर दैट मैं फिट मी का फाउंडेशन मैंने लिया है, इस पर मैं अच्छे से अपने फेस को डॉट से डॉट डॉट दे के पूरे फेस पे स्प्रेड कर लूँगी, और इसे फिर मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की शायद हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी, जिसे मैंने वाटर से वॉश करके अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है। अगर आप न्यू हैं तो स्पंज या फिर ब्यूटी ब्लेंडर सबसे इजी रहता है फाउंडेशन को ब्लेंड करना, और जितना अच्छा आप फाउंडेशन को ब्लेंड करते हैं उतना ही अच्छा शाइनी फाउंडेशन लगता है, बिल्कुल भी पैची और क्रैक नहीं होता है। फिर आफ्टर दैट मैं इसको इस पाउडर की हेल्प से अच्छे से सेट करूँगी फाउंडेशन को, ताकि मेरा फाउंडेशन बिल्कुल भी क्रैकी ना रहे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।